गुरु के साजी निवास जी, प्यारे सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। सात संगत जी, कहते हैं अध्यात्म में सेवा का बहुत अधिक महत्व है। सेवा, सिमरन और सत्संग में सेवा सबसे पहले आता है। सेवा गुरु आज्ञा में की जाती है। मन मर्जी की सेवा में आनंद नहीं है, यह निरंकार प्रभु सेवक की हर हाल में लाज रखता है। उसकी शोभा संसार में बिगड़ने नहीं देता। सेवा की श्रेणियां नहीं है कि कौन सी सेवा बड़ी है और कौन सी सेवा छोटी है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी में इसे स्पष्ट करते हुए फरमाते हैं, गुरु वचनों को मान के मन से जो सेवा की जाती है सबसे उत्तम सबसे ऊंची वो सेवा कहलाती है। सेवक कोई छोटा है ना सेवा कोई छोटी है, ना सेवक कोई छोटा है ना सेवा कोई छोटी है। रूप हो कैसा ढंग हो कैसा, सेवा तो बस सेवा होती है। जो भी सेवा मिल जाए सेवा सेवा ही होती है। हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझें जब हमें सेवा का सतगुरु अवसर देते हैं। सेवक हर स्थिति में सतगुरु का ही सहारा लेता है और गुरमत में रहकर सेवा करता है। एक बार दिल्ली में वार्षिक निरंकारी संत समागम के आयोजन के दौरान काफ़ी रात हो चुकी थी। कहते हैं कि काफ़ी रात को काफ़ी देर तक पानी बरसा, जिससे महापुरुषों के कपड़े बिस्तरे आदि गीले हो गए। रिहायशी टेंटों में पानी भर गया। हल्की सर्दियों का मौसम था, ऐसे में कपड़े व बिस्तरे गीले होने से आगे कैसे होगा यह भी प्रॉब्लम सामने आ गई, क्योंकि बरसात काफ़ी तेज आ गई थी। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और माता सुविंदर जी ऐसे वातावरण में पंडालों में जाकर हालात का निरीक्षण करने लगे। जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी वहाँ के महापुरुषों को संत निरंकारी कॉलोनी में शिफ्ट करके उन्हें कंबल आदि उपलब्ध कराने में सतगुरु बाबा जी और माता सुविंदर जी का, पूज्य माता सुविंदर जी का प्रयास बहुत रहा। सतगुरु के दर्शन पाकर भक्तों ने कहा, बाबा जी आपके दर्शन हो गए, हम आराम से रात बिता लेंगे और सभी को मदद भी पहुंचाएंगे। उन विपरीत परिस्थितियों में भक्तों का हौसला देखने लायक था। सतगुरु का आशीर्वाद इतना प्रभावशाली होता है कि उसके आगे माया का प्रभाव टिक नहीं सकता। सेवा न मजबूरी कोई और न कोई बंधन है, खुद को आनंद से भरने का सेवा तो एक साधन है। सेवा कोई मजबूरी नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता, कोई सेवा किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवाई जाती। ये तो सेवक के अपने मन में आनंद आता है, उसे खुशी होती है कि मुझे सेवा मिली है। जब वो सेवा सेवक करता है तो उसका मन आनंद से भर जाता है। चेतन और सजग रहकर जो सेवा करता जाता है, कहे हरदेव सुखों से अपना दामन भरता जाता है। यहाँ पर भी सतगुरु बाबा जी समझा रहे हैं कि भगत को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। अलर्ट और सजग रहकर जो सेवक सेवा करता है, सतगुरु बाबा जी कहते हैं कि वही अपना दामन सुखों से भरता जाता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझाते हैं कि सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमने चेतन और सजग रहना है, हमने अलर्ट होकर भक्ति करते चले जाना है। सच्चा गुरसिख हमेशा दास भावना में रहता है, वह अपने आप को सेवक ही मानता है। वह कभी अभिमान नहीं करता कि मैं कुछ करने वाला हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, जबकि संसार का बल थोड़ी देर का ही होता है और अक्सर ये बल यानी कि ये शक्ति काम नहीं आती। दूसरी तरफ नम्रता और प्यार है
इससे इंसान को कितनी शक्ति मिलती है। देखा गया है कि जब जब इंसान ने अभिमान किया वह असफल ही हुआ है। वह कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, वह हार ही जाता है, परंतु जो नम्रता प्यार में चलता है वह हमेशा जीत को प्राप्त करता है। हमारे पुराने इतिहास को देखें तो हमारे पास कितने ही एग्जाम्पल्स हैं कि जिन्होंने संतों का बुरा किया उनको निरंकार दातार ने किस तरह से जवाब दिया। गुरसिख को वह काम करना चाहिए जो सतगुरु ने कहा है, सतगुरु की जो शिक्षा है उसके अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। गुरसिख हमेशा निरंकार दातार का ही सहारा लेता है और अपना जीवन सतगुरु को अर्पित कर देता है। उसने तन मन धन दातार को सौंप रखा होता है। दातार की सेवा करते हुए, सत्संग करते हुए, सिमरन करते हुए सतगुरु की ही कृपा मानता है। मुझे दातार ने सेवा का मौका दिया है, मेरी कोई विशेषता नहीं कि मैं सतगुरु की सेवा कर सकूं। गुरसिख कभी भी फल की इच्छा रखते हुए सेवा नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि मैं सत्संग में जाऊंगा, मुझे माया मिलेगी, मुझे औलाद मिलेगी, मुझे सुख मिलेंगे, मैं सेवा करके माला माल हो जाऊंगा, मेरी हर तरफ गुरसिखों में जय जयकार होगी, सभी मेरा आदर सत्कार करने लगेंगे, मुझे ऊंची पदवी मिल जाएगी, मैं बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा। गुरसिख कभी भी ऐसी भावना से सेवा नहीं करता, न ही वह किसी दिखावे या लालच में पड़कर सेवा करता है। गुरसिख हमेशा ऐसी भावना रखकर सेवा करता है जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों की सेवा व पालन पोषण करते हैं। वो अपना फर्ज समझ के बच्चों को पालते हैं, निष्काम भाव से उनकी परवरिश करते हैं। उनके अंदर यह भावना नहीं होती कि बच्चे बड़े होने पर उनकी सेवा का बदला चुकाएंगे। आज इन पर हजारों रुपए खर्च कर दिए हैं तो ये बड़े होकर वापस करेंगे, वो ऐसा नहीं सोचते। वो तो सिर्फ प्यार के बंधन में सेवा करते रहते हैं, वो कभी इस खर्च की वसूली नहीं करते। बच्चे भी जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो अपने माता पिता की सेवा करने लग जाते हैं, बुढ़ापे में उनका सहारा बन जाते हैं। वो भी कभी ये नहीं सोचते कि हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं, वो अपना फर्ज समझकर सेवा करते हैं। हमें भी यही भावना रखकर गुरु की सेवा करनी है, न कि यह समझ लें कि हमें इसके बदले में इसका फल मिलेगा। अगर हम इच्छा रखकर सेवा करते हैं तो फिर उसके बदले हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। सेवा तो वो होती है जो निस्वार्थ और निष्काम भाव से हो। ये हिसाब किताब की बातें गुरसिक्खी में नहीं चलती। संसार में हर बात का हिसाब किताब होता है, जबकि भगत सहज भाव से सेवा करते हैं और दातार उन्हें हर प्रकार के सुख बख्श देता है। ऐसे गुरसिखों के लिए सतगुरु खुश होकर सुखों के खजाने खोल देता है। गुरसिख के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देता, गुरसिख को माला माल कर देता है। सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही अरदास है कि हमें भी आप जी के हुक्म के अनुसार निस्वार्थ व निष्काम भाव से हम भी सेवा करें। जो गुरसिख तन मन धन को सेवा में लगा देता है वो सुखी जीवन जीता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी में फरमाया है, चेतन और सजग रहकर जो सेवा करता जाता है कहे हरदेव सुखों से अपना दामन भरता जाता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हम सब पर कृपा करो, हम भलाई के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो पाए ताकि हमारा जीवन मानवता के काम आए और हमारा जीवन सफल हो सके। संगत जी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में दासी हाथ जोड़कर यही आशीर्वाद मांगती है। सच्चे पातशाह सभी को तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।